and good morning from काजा। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग नंबर 3 ऑफ आवर स्पिति ट्रिप। जैसा आपने कल देखा कि हम लोग काजा पहुंच चुके थे। काजा में हम लोग आके सोए आराम से, अच्छी नींद आई। वैसे हाई ऑल्टीट्यूड में नॉर्मली होता है कि अच्छी नींद नहीं आती, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। बढ़िया नींद आई। आगे का जो प्लान है, धनकर लेक का ट्रैक, हिक्किम, कॉमिक और लैंगजा विलेज कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइम हो चुका है 7:45 ऑलरेडी। अभी तो हम लोग बस ये होटल के आसपास जो एरिया है उसमें टहल रहे हैं। बाकी यहाँ पर रहने के लिए तो टेंट वगैरह ऐसे बढ़िया बढ़िया लोकेशंस में, ये देखिए। टेंट वगैरह आपको जहाँ तक है हर अच्छी जगह पर मिल जाएंगे यहाँ पर, और ज़्यादातर घर यहाँ के होम स्टे प्रोवाइड करते हैं जो कि इंटरनेट पर भी अवेलेबल नहीं होंगे। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, पर वहाँ पर ही एक रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है। मेरे ख्याल से तो सारी बाइक्स सर्विस हो जाती होंगी वहाँ पर, कोई भी दिक्कत हो अगर, स्पेशली रॉयल एनफील्ड। अगर आपने केसरी देखी हो या नहीं भी देखी हो, लेकिन आपने उसका वो गाना देखा हो, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी शूटिंग जो है वो स्पिति वैली में ही हुई थी। केसरी की ज़्यादातर शूटिंग स्पिति वैली में ही हुई है, और केसरी के अलावा अगर मैं बात करूं तो पाप मूवी की शूटिंग भी यहाँ हुई थी, एक गाने की। और हाईवे में भी, आप हाईवे मूवी देखोगे तो उसमें भी काफ़ी सीन्स जो हैं वो स्पिति वैली में शूट हुए थे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हॉस्टल से निकल लिए हैं अपने आज की ट्रिप के लिए। तो प्लान अब ये है कि हम लोग पहले धनकर ही जा रहे हैं। धनकर मोनेस्ट्री है वहाँ पर, और धनकर लेक है। धनकर लेक का जो ट्रैक है वो करीब 1.5 घंटे का वन साइडेड ट्रैक है। जो धनकर लेक है वो 3900 मीटर की हाइट पर है, और ये कभी स्पिति की कैपिटल हुआ करती थी। वहाँ पर एक क्लिफ है, क्लिफ पे ही जो मोनेस्ट्री बनी हुई है। मोनेस्ट्री का हाल तो खैर बहुत ख़राब हो गया है, तो मोनेस्ट्री उन्होंने न्यू बना दी है। उसके साथ ही तो उस क्लिफ से पिन रिवर और स्पिति रिवर का कॉन्फ्लुएंस, संगम जो है वो देखने को मिलता है। डाइवर्जन था जो आपको लेना है, ताबो वाले रास्ते पे चलते चले जाओ, और फिर आपको ये इजीली दिख जाएगा। गेट है पूरा धनकर मोनेस्ट्री का। वहाँ से करीब 8 किलोमीटर ऊपर जाना है। मे भी गाड़ी चली जाएगी वहाँ तक, तो मोनेस्ट्री तक गाड़ी चली जाती है। फिर वहाँ लेक के लिए हमें पैदल जाना पड़ेगा। at Dhankar Monastery right now. पर ही ये खाने पीने का मोनेस्ट्री के अंदर आप घुसोगे, गाड़ी पार्किंग की जगह वहीं पर है और खाने पीने के लिए ये रेस्टोरेंट है। तो अभी हम लोग ने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह तो किया नहीं था, तो देखते हैं। अरे वाह यार, यार बाहर ही खाएंगे यार। तो यहाँ जो हम लोगों ने ब्रंच किया उसका टोटल कॉस्ट जो आया है वो आया है 860 रुपीज़ का, 5 लोगों के बीच में। और अच्छा खासा ब्रंच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा खासा हैवी था। एग पराठे थे, आलू का पराठा था, चाय वगैरह थी। अच्छा था, बहुत बढ़िया था। ऑमलेट वगैरह काफ़ी अच्छे थे। अब यहाँ से बस हम लोग 5 मिनट में निकल रहे हैं लेक के लिए। लेक का ट्रैक करीब 1.5 घंटे का है वन साइड का, और नीचे आने में तो और कम ही टाइम लगेगा। ये इस ट्रैक की शुरुआत है। ये वाला मिट्टी का रास्ता चढ़ना है, फिर ऊपर चढ़ाई चलते चली जानी है। तो जो लेक का ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वो 10:45 पे कर रहा हूँ। देखने वाली बात यह है कि कितना टाइम लगता है चढ़ने में, उससे कम ही टाइम लगेगा उतरने में। ये सारे जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के पीछे ही है वो लेक। वे टू लेक सीधे जाना है शायद हम लोगों को। ये भी है, देखो एक रास्ता ये भी है। चलो भाई बता लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ओह, फिर से चढ़ाई आ गई। या ये है, देख लेते हैं। हाँ यहीं से आ जाओ। पता नहीं कहाँ से है यार। आओ, यही होगा। ये शॉर्टकट वाला ही रास्ता है, ये पूरा ये शॉर्टकट का रास्ता है। अभी हम लोग प्लेन पे ही चल रहे हैं। हम लोग खो गए हैं। उसी शॉर्टकट से जाना था क्या? हाँ, रास्ता भटक गए हैं। ये रास्ता यहाँ से पूरा गायब ही है, समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। तो वापस उस जगह चलते हैं जहाँ से वो पतला सा रास्ता ऊपर जा रहा था। फिर से अच्छी खासी बहुत लंबी चढ़ाई आने वाली है। ये वो रास्ता है जो हमें चढ़ना चाहिए था पहले ही। ठीक है, अभी कितनी दूर है लेक? बस जरा सा ही है। आ गए। अब हम लोगों को शायद लेक के पास जो स्ट्रक्चर बना होता है स्तूप ऐसा, वो तो दिखने लगा है, वहीं पर होगी लेक भी। और ये मैं आसमान की ऊंचाई हूँ, बहुत ही ऊंचे, हवा ही हवा है, पहाड़ ही पहाड़ है, वादियाँ ही वादियाँ हैं। तो धनकर लेक हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। बहुत टफ ट्रैक है। जब हम लोग जाते हैं तो फिर बहुत इजी लगने लग जाता है, बट जो बीच का स्ट्रगल है वो थोड़ा है। 1 hour 20 minutes हम लोग को लगे हैं। कितने पहले आए? अब हम लोग वापस उसी ट्रैक पे नीचे उतरने के लिए चल लिए हैं। 1 घंटे 20 मिनट हम लोगों को टाइम लगा था, जिसमें कई मोमेंट ऐसे थे कि बस 20 मीटर 30 मीटर में ही जाके रुक जा रहे थे, बैठ जाते थे, सांस फूल जाती थी। मुझे लगता है नीचे जाने का तो टास्क 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। बस वही है, बीच बीच में कहीं उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच बीच में कहीं कहीं रास्ता बहुत पतला है और दूसरी तरफ को पूरी खाई है। ये देखिए हमारे फूडी बूडी मी जा रहे हैं मोजा लेके पहले यहाँ लेक के किनारे मैंने बहुत मोजा किया, मोजा लेके चल रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ के। बाकी के तीन गांव जो आज के थे प्लान में, हिक्किम, लांगजा और कोमिक। इस साइड निकल के गया वो पिन वैली का है। तो हम लोग वापस काजा पहुंच चुके हैं। काजा क्रॉस करके अब दूसरी तरफ को हमें जाना है। अच्छा ये साइड जाना है क्या? अच्छा दूसरी साइड को जाना है हमें इन तीनों गांवों के लिए। हिक्किम पहुंच चुके हैं। आप लोग देख लीजिए ये एक ढाबा टाइप का आएगा। इससे इस साइड पर नीचे उतरना है 2 मिनट के लिए। चलो So right now we are at world's highest post office, that is Hikkim, and the pin code is 172114. Height is 4440 meters or 14567 feet. भाई तुम तो एग्जाम दे रहे हो, मैं अपने घर भेज रहा हूँ ये कार्ड। तो जहाँ हम रुके थे एकदम सीधे चलते चले जाओ, सीधा रास्ता पकड़ के चलते ही चले जाओ तो हम पहुँचेंगे कोमिक, और जहाँ हम रुके थे उससे पीछे की तरफ ऊपर गया हुआ था जो रास्ता, वो लांगजा। तो अभी तो हम सीधे चल रहे हैं कोमिक, आपको पहले दिखाते हैं उसके बाद चलेंगे लांगजा। तो अब हम लोग कोमिक जो कि 4587 मीटर पर था, हम लोग लांगजा जा रहे हैं जो उससे थोड़ी कम हाइट पे है। लांगजा हमारा जो है 4435 मीटर्स की हाइट पर है, और लांगजा को फॉसिल विलेज भी बोलते हैं। फॉसिल विलेज इसलिए बोलते हैं कि पहले तो ये सारे का सारा जो भी पहाड़ वाले एरिया थे सारे समंदर में थे, तो प्री हिस्टोरिक जो मरीन एनिमल्स थे उसके फॉसिल्स जो हैं वो आज भी वहाँ पर मिल जाते हैं। और वहाँ एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है बुद्ध की बड़ी ऊंची सी वहाँ पर एक मूर्ति है, वो अभी आप देखोगे। काजा के लिए थकान तो बहुत हो गई है, और जल्दी इसलिए भी निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ी 2 दिन अभी और चलने वाली है अच्छे से, तो उसको भी थोड़ा सर्विस कराना है। और पत्थर भी इतने थे रास्ते में कि नीचे काफ़ी जगह टकराई है, तो वो भी सब चेक करना पड़ेगा इससे पहले कि हम चंद्रताल में जाके कहीं बीच में अटक जाएँ। इससे बेटर है कि यहाँ आप चेक कर लें। तो यहाँ मैं करता हूँ अपना ब्लॉग नंबर 3 एंड, और कल के लिए जो भी प्लान है वो आप और भी इंटरेस्टिंग है। वो है यहाँ की सबसे फेमस की मोनेस्ट्री, फिर किब्बर गाँव जो कि फेमस है स्नो लेपर्ड्स के लिए, हालांकि मिलेगा नहीं पर सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो वहीं की है। उसके बाद आएगा चंद्रताल, तो बिल्कुल देखते रहिएगा। दिस इज FakeBloggerVJ साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्लॉग नंबर 3।